आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा प्राकृतिक खेती मशरूम हल्दी उत्पादन के संदर्भ में 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गांव आरन ग्राम पंचायत कटिनड़ी में किया। आत्मा परियोजना की ओर से खंड तकनीकी प्रबंधक रवि कुमार ने प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान की। कार्यशाला के 7वें दिन किसानों को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक छिड़काव बनाना सिखाए गए। प्राकृतिक छिड़काव बनाने में बीडीएम रवि कुमार ने प्रशिक्षण दिया। ये छिड़काव देशी गाय के गोमूत्र, गोबर, आसपास के सभी प्रकार के कड़वे पत्तों द्वारा बनाए गए। अब जो है, अब हम बात करेंगे घन जीवामृत की। सामग्री मैंने आपको जो है बोर्ड पे लिख दी है कि हम इसमें क्या क्या लेंगे। देसी गाय का सूखा हुआ गोबर लेना है हमने, ठीक है। गोबर को सुखाना है, फिर सुखाने के बाद उसको अच्छी तरह से बारीक करके, ठीक है, छान के हमने कितना गोबर लेना है, 20 किलोग्राम। गुड़ हम लेंगे 250 ग्राम, इसमें बेसन लेंगे 400 ग्राम, मेड़ की मिट्टी। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार, खंड तकनीकी प्रबंधक विकास खंड सदर मंडी से, कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश। आज हमने जो है आईसीआईसीआई फाउंडेशन के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया, जिसका आज अंतिम दिन था। आज हमने इनको जो है प्राकृतिक खेती और मशरूम के बारे में जो ट्रेनिंग दी, उसके लिए जो है उनको सर्टिफिकेट भी दिए, और इसमें जो है 7 दिन का प्रशिक्षण शिविर आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा लगाया गया, जो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी और अच्छा सिद्ध होने वाला है। क्योंकि गांव साडला में जो है यह प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें जो है सभी किसानों ने, कम से कम 25 से 30 महिलाओं ने भाग लिया, और इन महिलाओं ने जो है प्राकृतिक खेती और मशरूम उत्पादन के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानकारी ली। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कटौला से हरीश ठाकुर की रिपोर्ट।